वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी एज ए सेलर कंप्लीट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में वर्बल इंटेलिजेंस के पास टेस्ट, जिस तरह के क्वेश्चन पाकिस्तान नेवी सेलर के टेस्ट में आते हैं, फुल डिटेल विद कंसेप्ट के साथ वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपने पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर जिस भी पोस्ट या जॉब पर अप्लाई किया है, ये वीडियो आपके लिए हद से ज्यादा अहम तरीन है, तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑड मैन आउट। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। यानी हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो आइए जानते हैं वो कौन सा है। देखें, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ये फेडरल गवर्नमेंट के अहदों के नाम है, यानी वफाकी हुकूमत के अहदों के नाम है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है, ये वफाकी गवर्नमेंट के अहदे का नाम नहीं है, बल्कि ये सूबाई गवर्नमेंट के अहदे का नाम है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान, और सभी का अलहदा ही CM यानी चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला होता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये जो फिनांस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत के अहदों के नाम है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है, ये सूबाई गवर्नमेंट के अहदे का नाम है। यही बाकी इन तीनों से डिफरेंट है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंजा हैज टू ब्रदर्स आसफ एंड फैसल, दे हैव टू कजन्स फरवा एंड बुरहान, हाउ मैनी कजन्स हैव फरवा एंड बुरहान। यानी इस क्वेश्चन को समझिएगा कि किंजा के दो भाई हैं आसफ एंड फैसल, किंजा के दो भाई हैं आसफ एंड फैसल, और किंजा के दो ही कजन हैं फरवा एंड बुरहान। किंजा के दो कजन हैं फरवा एंड बुरहान। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि हाउ मैनी कजन फरवा एंड बुरहान, यानी फरवा और बुरहान के कितने कज़न हैं। तो फरवा और बुरहान के तीन कज़न हैं, फरवा और बुरहान के तीन कज़न हैं। कौन कौन से? एक तो है किंजा, और एक है आसफ, और एक है फैसल। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन 3। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों, इस मुकम्मल वीडियो को देखने से आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी कैटेगरीज के जो वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज आते हैं, सभी कैटेगरीज के एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, और आप फुल कंसेप्ट के साथ ताकि आप लोग अच्छे से अपना मतलब टेस्ट पास कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन 8 जमा 4 इसका इक्वल है 64-16 के, 3 जमा 5 इक्वल है 925 के, देन 12 जमा 10 किसके इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना, ये चार ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। तो देखें, इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या ट्रिक यूज़ किया है कि 8 जमा 4 से जो 64-16 कैसे बना। तो 8 को 8 से ज़रब किया जाए तो 64 बनता है, 4 को 4 से ज़रब किया जाए तो 16 बनता है, ये ट्रिक यूज़ की गई है। आगे देखें, 3 को 3 से ज़रब करें तो 9 बनता है, 5 को 5 से ज़रब करें तो 25 बनता है। इसी तरह 12 को 12 से ज़रब करेंगे और 10 को 10 से ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन 144-100। ये हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू। दोस्तों, इस सवाल में हमें यह बताना है कि एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है। दोस्तों देखते हैं, एक है नमाज, ज़कात, फास्टिंग इसका मतलब रोज़ा होता है, और ईद नमाज। दोस्तों देखें, जो रोज़ा है दोस्तों ये भी फ़र्ज़ है, जो नमाज़ है ये भी फ़र्ज़ है, और ज़कात भी फ़र्ज़ है, लिहाजा जो ईद नमाज है दोस्तों ये वाजिब है। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो बनता है ईद नमाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रशिया इज़ टू मॉस्को दैन फ्रांस इज़ टू। दोस्तों, इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो रशिया का तल्लक है वो है मॉस्को के साथ, दैन फ्रांस का तल्लक किन के साथ हो सकता है। आगे इन ऑप्शन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें, जो रशिया का कैपिटल दोस्तों वो है मॉस्को, तो इसी तरह फ्रांस का कैपिटल क्या होगा। दोस्तों फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। तो दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके जो मशहूर कंट्रीज़ हैं दोस्तों, उनके जो कैपिटल हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज़ बनती हैं, उनके कैपिटल आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों, ये सीरीज़ का सवाल है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है। दोस्तों देखें, ए बी, जेड वाई, सी डी, आगे कौन सा आएगा। नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें, ए बी मतलब है कि अल्फ़ाबेट के शुरू से लफ्ज़ दो, उन्होंने हर्फ दो लिए ए बी, तो आगे जेड वाई, तो एंड से उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब है कि पहले जेड लिया उसके बाद वाई, तो मतलब है कि पहले दो हर्फ आ रहे हैं शुरू से, और आगे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मतलब है कि एंड से, आगे फिर शुरू से, आगे फिर क्या आएंगे, आगे फिर यहाँ पे एंड से आएंगे। तो दोस्तों, एंड से कौन से लफ्ज़ आएंगे। दोस्तों, डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू, ये दो, इन दोनों में से एक राइट आंसर है, ये दोनों तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों देखें, तो ए बी, आगे जेड वाई, यानी जेड से उन्होंने शुरू किया है, जेड फिर वाई, आगे सी डी, ए बी सी डी, तो आगे एंड से जो लफ्ज़ आएंगे दोस्तों वो कौन से आ सकते हैं। दोस्तों, वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स तो नहीं आ सकता क्योंकि एंड से शुरू हुई है दोस्तों, जेड जेड थे फिर वाई थी, तो पीछे इसके वाई के पीछे क्या होता है, वाई के पीछे है एक्स उसके बाद डब्ल्यू, तो जो हमारा राइट आंसर बनता है तो वो बनता है एक्स डब्ल्यू। तो दोस्तों, अगर जिस भी सवाल की आप लोगों को समझ ना आए, लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रहता कीजिए, आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूंगा। जो भी सवाल आप लोगों को समझ में ना,
आया। तो इसका राइट आंसर बनता है एक्स डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 771:50 देन 441:441 के आगे कौन सा मतलब एक लिंक है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें जो 771 है इससे 50 कैसे बना, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। दोस्तों देखें 7 को अगर 7 से ज़रब किया जाए, 7 × 7 = 49, तो इसमें एक ये वाला जो एक है इसमें जमा कर दिया जाए तो कितना बनता है, 50 बनता है। तो इसी तरह हमें मतलब है कि जो कंसेप्ट है इसकी समझ आ गई। अब 4 को 4 से हम ज़रब करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, 4 × 16, और इसमें 201 जो है वो जमा कर देंगे तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है 17। ये हमारा राइट आंसर है 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल को आप लोगों ने समझना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए मोटरसाइकिल ट्रेवल 25 किलोमीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर प्राइस 300 रुपीज़, देन सो एट द कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज़ मोटरसाइकिल कवर हाउ मैनी डिस्टेंस। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है जो 25 किलोमीटर का सफ़र करती है 1 लीटर में, 1 लीटर में 25 किलोमीटर का सफ़र करती है, और एक जो लीटर की प्राइस है दोस्तों वो है 300 रुपये। तो हमें यह बताना है इस सवाल में कि 1200 रुपये में वो जो मोटरसाइकिल है वो कितना सफ़र करेगी 1200 रुपये में। तो दोस्तों 1 लीटर की प्राइस है 300 रुपये में, तो 1200 में कितना सफ़र करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो 1200 के जो लीटर आएंगे तेल वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। दोस्तों 1 लीटर की प्राइस है 300 रुपये, तो टोटल मतलब 1200 का हमें तेल खरीदना है, तो 1200 से हम क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी 1200 रुपये में हमारा हमें जो तेल आएगा वो 4 लीटर तेल आएगा। तो दोस्तों 1 लीटर में 25 किलोमीटर का सफ़र करती है, तो 4 लीटर में मतलब वो कितना करेगी, 4 को हम 25 से ज़रब कर देंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 100, यानी 1200 रुपये में कितना सफ़र करती है, 100 करती है, मतलब कि 100 किलोमीटर का सफ़र करेगी मोटरसाइकिल। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग वर्ड। दोस्तों ये 3 वर्ड्स हैं, एक है एयर होस्टेस, दूसरा है पुलिसमैन, तीसरा है नर्सेज, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। नीचे ऑप्शन है कैप्स या टाइज या यूनिफॉर्म या हेलमेट्स। तो दोस्तों इन तीनों डिपार्टमेंट की बात करें, एयर होस्टेस की, पुलिसमैन की या नर्सेज की, दोस्तों इन तीनों डिपार्टमेंट में जो चीज़ मतलब कि कॉमन है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म, यानी वर्दी इन तीनों डिपार्टमेंट के जो अहलकार होते हैं वो लाजमी पहनते हैं, जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टी का प्राइस 120, यानी मतलब इफ 6 टी का प्राइस 120, यानी 6 जो कप है उनकी कीमत है, जो 6 चाय के कप है उनकी कीमत है 120 रुपये, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 टी कप, यानी 6 कप जो है उनकी प्राइस, 6 कप की प्राइस है 120 रुपये, 10 कपों की प्राइस कितनी होगी, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कप की कीमत है 120 रुपये में, तो हम क्या करेंगे, 1 कप की कीमत निकालेंगे, तो 120 तकसीम 6 कर देंगे, 6 × 6 = 12 और 0 = 7 लाके, यानी 1 कप 20 रुपये का आता है। तो 10 कप कितने के आएंगे, 10 को 20 से ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 10 को 20 से ज़रब करेंगे तो 200 बनेगा। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है सी ऑप्शन 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 of 600, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो 1/5 यानी जो 5वां हिस्सा है 600 का वो कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे, देखें 1/5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, ज़रब क्या करेंगे 600 कर देंगे। इस तरह का अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल यही मेथड अपनाना है और इंशाल्लाह आप लोग सवाल को सही कर सकोगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, तो 5 × 5 और आगे चला गया 10 बन गया, 5 × 10 और 7 0 लगे, यानी मतलब है कि 120 बनता है। तो 1/5 यानी 600 का 5वां हिस्सा कितना बनता है, 120 बनता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है, देखें 21, 19, 23, 21 आगे कौन सा जवाब आएगा, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें दोस्तों सीरीज़ का अगर कोई भी सवाल आप लोगों के टेस्ट में आता है, दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये चेक करना है ये डबल सीरीज़ है या सिंगल सीरीज़ है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने ये चेक करना है कि इसमें रकमें जमा हो रही हैं, नफी हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं या तकसीम हो रही हैं। ये तीनों चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जितने भी सवाल सीरीज़ के आएंगे आप 100% थोड़े टाइम में इजीली हल कर सकोगे। तो इस सवाल को हल करते हैं, देखें 21 और 19 में अगर डिफरेंस देखें दोस्तों कितना है डिफरेंस, 21 और 19 में दोस्तों डिफरेंस है 2 का, यानी 21 में से 2 को माइनस किया तो 19 बन गया, तो 19 में से आगे दोस्तों जो 4 को अगर हम जमा करें तो 23 बनता है, 19 में 4 जमा करें 23 बनता है, तो 23 में से फिर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बन गया, तो 23 में से 2 को माइनस किया तो 21 बन गया, तो आगे क्या होगा, आगे फिर हम 4 जमा करेंगे, तो 21 में दोस्तों
चार को हम जमा करेंगे तो कितना बनेगा, 21 में चार जमा करेंगे तो 25 बनेगा। तो यही हमारा राइट आंसर है 25। देखें, एक तो इसमें दो जमा हो रहा है, जिसमें दो नफी हो रहा है और चार जमा हो रहा है, फिर दो नफी, आगे जाकर फिर चार जमा होगा। तो 21 में चार जमा किया, 21 और चार 25 बनता है, लिहाजा जो हमारा ये हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ऑड वन आउट। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों से मैच नहीं करता, वो हमें बताना है। दोस्तों देखें, चेस्ट इसका मतलब होता है छाती, बोन इसका मतलब क्या होता है हड्डी, ब्लड का मतलब दोस्तों होता है खून, लेकिन दोस्तों जो टाइफून है इसका मतलब होता है आंधी। बाकी दोस्तों ये सारे ही, ये तीनों की अगर बात करें, बोन की ये भी जिस्मानी मतलब है कि जिस्म से तलक रखता है, चेस्ट का भी जिस्म से तलक है और ब्लड का भी, लेकिन दोस्तों जो टाइफून है इसका मतलब होता है आंधी, लिहाजा यही बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है टाइफून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। दोस्तों इन चारों में से बताना है कि एक ऐसा है मतलब कि गिनती का जो लफ्ज़ है, हरफ है, ये बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। दोस्तों देखें, एक है 3, 7, 8, 11। तो दोस्तों इसमें जो डिफरेंट है दोस्तों वो है 11। वो 11 क्यों डिफरेंट है दोस्तों, वो 11 इसलिए डिफरेंट है, बाकी सारे 3 एक अदद, 7 एक अदद और 8 एक अदद, लेकिन तो जो 11 है दोस्तों ये डबल फिगर में आ जाता है, डबल फिगर में आ जाता है, इसलिए ये मतलब कि बाकियों से डिफरेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को फिर कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है वो आप लोगों ने फुल मतलब अपने दिमाग को हाजिर रख के करना होगा, और इंशाल्लाह इसी वीडियो से आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। इस बारे में हमें फिर भी ये बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है, एक मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। दोस्तों देखें, एक है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर। तो दोस्तों देखें, जो फैसलाबाद है ये भी पंजाब का ज़िला है, मतलब है कि पंजाब का शहर है, लाहौर भी पंजाब का शहर है और मुल्तान भी सूबा पंजाब का शहर है, लेकिन दोस्तों जो पिशावर है ये KPK का शहर है, लिहाजा जो डिफरेंट है, जो मुख्तलिफ बाकियों से, वो है पिशावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये सीरीज का सवाल है, 3, 10, 4, 17, 5, 26, 6 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें, इसको अगर चेक करें तो दोस्तों ये डबल सीरीज है, देखें 3 के आगे 4, 4 का जो तलक है 5 से, 5 का तलक है 6 से। नीचे देखें दोस्तों, 10, 17, 26 आगे मतलब कौन सा जवाब आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें, अगर बात करें ये डबल मतलब ये डबल सीरीज है, 3, 4, 5, 6 दोस्तों ये मतलब है 4 मतलब के आदाद हैं, 3, 4, 5, 6 मतलब कि इकट्ठी सीरीज चल रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखें दोस्तों, नीचे जो है 10, 17 और 26 ये 3 है, इसी से ही अगला जो जवाब का लिंक है। तो दोस्तों देखें, 10 और 17 में मतलब कुछ डिफरेंस है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, वो है 7 का। आगे दोस्तों 10 और 17 में दोस्तों डिफरेंस कितना है, 7 का। 17 और 26 में दोस्तों डिफरेंस देखें तो 9 का है। तो हमें ये पता चल रहा है कि दोस्तों ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है, पहले 7 आगे 9 और 26 और आगे मतलब एक 9 के बाद 11 आता है। तो 26 में दोस्तों 11 को हम ऐड करें तो कितना बनता है, 26 में 11 को अगर ऐड किया जाए तो दोस्तों बनता है 37। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 37, डी ऑप्शन इज़ राइट, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीव्स आर ट्री एज बीज आर। तो दोस्तों इस वाले में हमें यह बताना है कि दोस्तों जो लीव्स हैं इनका तलक है ट्रीज़ के साथ, यानी जो ट्री का मतलब होता है दरख्त और लीव्स का मतलब होता है पत्ते। तो ट्रीज़ के दोस्तों पत्ते होते हैं, यानी ट्रीज़ के पत्ते होते हैं, इनकी शाखें होती हैं। दोस्तों जो बीज है इसका मतलब होता है शहद की मक्खी। तो दोस्तों शहद की मक्खी का तलक किन के साथ हो सकता है, नीचे ऑप्शन है, हाउस। दोस्तों ये हाउस में नहीं रहती, फ्लाई तो मतलब एक करती हैं, लेकिन हमें यह बताना है कि ट्रीज़ का जो तलक है वो लीव्स पत्तों के साथ है, बिल्कुल कनेक्शन बहुत ही गहरा है। तो दोस्तों जो बीज है इसका तलक होगा हाइव के साथ, हाइव का मतलब होता है छत्ता, मक्खी मतलब शायद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइव। तो बीस का मतलब, बीस का जो लिंक है दोस्तों वो है हाइव के साथ, यही हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है, 2413, 2420, 2434, 2462, 2518 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें, सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें सीरीज कौन सी चल रही है और इसमें क्या चीज़ें जमा हो रही हैं, क्या नफी हो रही हैं, क्या ज़रब हो रही हैं। दोस्तों देखें, 2413 और 2420 में दोस्तों जो डिफरेंस है तो वो देखें सिर्फ दोस्तों 7 का है। तो 2420 और 2434 में दोस्तों डिफरेंस देखें तो कितना है, 14 का है। 2434 और 2462 में अगर दोस्तों डिफरेंस देखें तो दोस्तों कितना है, 28 का है। दोस्तों हमें इस बात का पता चल रहा है कि 7 के आगे 14 आया, 14 के आगे 28 आया, यानी मतलब है कि हर अगले अदद से 2 को ज़र्ब किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 7 आया, 7 को 2 से ज़र्ब किया तो आगे 14 बन गया, 14 को 2 से ज़र्ब किया तो आगे 28 बन गया। इसी तरह दोस्तों 28 को मतलब है कि 2462 और 2418 में दोस्तों 28 को हम 2 से मतलब 2 से ज़र्ब करेंगे तो कितना बनेगा, 56 बनेगा। तो इसी तरह दोस्तों जो आगे जवाब आएगा 2518 और आगे इसमें मतलब है कि 56 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा, 56 को 2 से ज़र्ब किया जाए तो बनता है 112। तो 2518 में 112 को अगर जमा कर दिया जाए तो हमारा मतलब है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें
आप लोगों को उम्मीद है कि ट्रिक की समझ आ गई होगी और इसका जो राइट आंसर हो बनेगा 2436, 2430, 3730 या 2830 वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसका कौन सा मतलब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है, 2/4, 4/16, 16/256 आगे कौन सा आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना दोस्तों। देखें 2/4 इससे आगे जो बना वो बना 4/16 यानी तो मतलब इनका इनमें जो तल्लक है दोस्तों वो है 2 को 2 से ज़र्ब किया तो 4 बन गया, 4 को 4 से ज़र्ब किया तो 16 बन गया, इसी तरह 16 को 16 से ज़र्ब करेंगे तो कितना बन जाएगा 256 बन जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों देखिए नीचे 4 है, 4 को 4 से ज़र्ब किया तो 16 बन गया, 16 को 16 से ज़र्ब किया तो 256 बन गया, 256 को 256 से ज़र्ब करेंगे तो कितना बनेगा 65536 बनेगा, यही हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, 256/65536। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड इज टू शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइड बाय द थर्ड नंबर देन आंसर विल बी। दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने समझना है, देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों नीचे हमारे पास 3 नंबर हैं, एक 2 है जो सबसे छोटा, एक 14 है जो सबसे बड़ा, एक 4 है जो मतलब है कि तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल में वो ये कह रहे हैं इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो सेकंड आप लोगों के पास नंबर है यानी 14 हमारे पास सेकंड नंबर है, इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड मतलब कि इज ऐड करो टू द शॉर्टेस्ट नंबर, यानी वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो सेकंड नंबर है उसमें जो शॉर्टेस्ट यानी जो सबसे छोटा नंबर है उसमें उसको ऐड कर दो यानी जमा कर दो। तो हमारे पास दोस्तों जो सेकंड नंबर है दोस्तों वो है 14 और सबसे जो छोटा नंबर है वो है 2, तो 14 में दोस्तों 2 को जमा करें तो कितना जवाब आता है 16 आएगा। दोस्तों ये दो चीज़ें तो होगी। दोस्तों आगे वो क्या कह रहे हैं कि डिवाइड बाय द थर्ड नंबर देन विल आंसर विल बी। दोस्तों वो आगे ये कह रहे हैं कि जो मतलब है कि आप लोगों ने पहले जो किया है मतलब कि जो सेकंड नंबर को आप लोगों ने शॉर्टेस्ट नंबर में ऐड तो कर दिया है लेकिन आगे क्या करो डिवाइड करो बाय थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर से डिवाइड करेंगे दोस्तों, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है 4 है, 4 हमारे पास थर्ड नंबर है तीसरे नंबर पर, तो हमारे पास जो पहले जवाब आया था दोस्तों 16, तो 16 को मतलब है कि 4 से क्या करो आगे कह रहे हैं डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16 यानी हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 4। तो 4 हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन पे मिल रहा है। दोस्तों फिर आप लोगों को कह रहा हूँ जिस सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। दोस्तों देखिए सवाल को हल करते हैं, 2, 4, 6, 5, 3, 8, 5, 5 आगे कौन सा आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें 2 को अगर मतलब 2 को 4 में जमा मतलब 2 को 4 में जमा किया जाए तो कितना जवाब आता है 6 आता है। तो दोस्तों आगे देखें 5 को 3 में जमा किया जाए तो कितना आता है जवाब 8 आता है। इसी तरह दोस्तों जो 5 को 5 में जमा करेंगे तो 10 बनता है, तो हमारा राइट जो आएगा आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 10। ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है, 10 हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। दोस्तों इस बार हमें ये बताना है कि ये एक इनमें से ऑप्शन जो डिफरेंट है बाकी जो मुख्तलिफ है वो कौन सा है। दोस्तों देखें 49, 70, 35, 51 तो दोस्तों देखें 7 को 7 ज़र्ब किया जाए तो 49 बनता है, 7 को अगर 10 ज़र्ब किया जाए तो 70 बनता है, 7 को 5 ज़र्ब किया जाए तो 35 बनता है, लेकिन दोस्तों 51 को मतलब है कि 7 से इनका कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, 51 हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। दोस्तों इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि एक बाकियों से डिफरेंट है बाकियों से मुख्तलिफ है वो कौन सा है। दोस्तों देखें इन्फेंट, इसका दोस्तों मतलब होता है शेरखार बच्चा, इन्फेंट का मतलब होता है शेरखार बच्चा, बेबी का मतलब होता है दोस्तों इसका मतलब भी बच्चा ही होता है मतलब है कि ये कह लो बेबी बच्चा, ये दूसरा वो छोटा बच्चा कह लो, या और न्यू बार्न का मतलब भी दोस्तों मतलब कि जो नया बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यू बार्न, लेकिन दोस्तों जो अडल्ट है इसका मतलब दोस्तों है सियाना या जवान, तो यही हमारा राइट आंसर बनता है, बाकी सबका कनेक्शन आपस में है। इन्फेंट में ना मतलब है कि शेरखार बच्चा, बेबी का मतलब भी बच्चा होता है और न्यू बार्न का मतलब भी छोटा जो नया पैदा होता है बच्चा, लेकिन जो अडल्ट है इसका मतलब होता है सियाना या नौजवान, तो इसका राइट आंसर है अडल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू। दोस्तों जो वो कह रहे हैं कि जो कार है इसको तो ड्राइव किया जाता है, जो हॉर्स है इसको क्या हम करते हैं, इसको हम रन करते हैं, इसकी हम ड्राइव करते हैं, इसको हम बाय करते हैं या इसकी हम राइड करते हैं। दोस्तों जो हॉर्स है इसकी हमेशा राइड की जाती है, राइडिंग, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ मिसिंग लेटर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग लेटर है वो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है। दोस्तों देखें सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जानते हैं, 8 जमा 3 नफ़ी 4 आगे जी आ गया, इस तरह 2 जमा 12 नफ़ी 2 आगे एल आ गया, इस तरह 12 जमा 4 नफ़ी 3 आगे डब्ल्यू आ गया, नीचे दोस्तों 13 जमा 1 नफ़ी 10 इसमें आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पहला जो जी है वो कैसे आया ताकि हमें कंसेप्ट की समझ आ जाए। तो 8 में से अगर 3 को जमा किया जाए, 8 और 3 कितने होते हैं 11 बनते हैं। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि 4 को नफ़ी कर दो, 11 में 4 को नफ़ी किया, जवाब कितना आया 7 आया। तो दोस्तों 7 तक गिने ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 7वें नंबर पर जी आता है।
सातवें नंबर पर जी आता है। तो इसी तरह दोस्तों जो आगे एल भी इसी तरह आया और डब्ल्यू भी इसी तरह आया दोस्तों, नीचे देखते हैं 13 में 1 को जमा किया तो कितना बन गया 14 बन गया। 14 में से 10 को नफी करेंगे तो कितना आएगा जवाब 10 आएगा। तो सॉरी 10 नहीं आएगा, 14 में 10 को नफी करेंगे जवाब कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 तक हम गिने ए बी सी ए बी सी डी, तो 4 तक मतलब डी है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों ने समझना थोड़ा सा, अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, मतलब कि वो कह रहा है कि अकमल और जमाल आपस में भाई हैं, अंजम एंड अजमल आर देयर सन, अंजम और अजमल इनके बेटे हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल। दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो अकमल और जमाल ये आपस में भाई हैं और इनके बेटे हैं अंजम एंड अजमल, मतलब इनके जो बेटे हैं वो हैं, एक नाम अजमल है एक नाम अंजम है, तो वो जो इनके बेटे हैं, इनके जो बेटे हैं अकमल और जमाल के, उनके बेटों का आपस का रिश्ता क्या है, इस सवाल में हमें ये बताना है दोस्तों। उनका रिश्ता आपस में है कज़न का, या वो पतरेर मतलब के पतरेर होंगे या मसेर, जो भी उनका जो आपस में रिश्ता वो है कज़न का, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कज़न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ फीड इज कोडेड एज 43-32 देन डीफ इज डीफ इज कोडेड, तो दोस्तों डीफ का जो कोड है वो क्या होगा नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना दोस्तों। देखें कोड का अगर दोस्तों कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं, बहुत ही आसान है दोस्तों। कोड का अगर कोई भी सवाल आता है तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, फीड का जो कोड है वो है 43-32 दोस्तों, वो कैसे है, तो सबसे पहला लफ्ज़ है यहाँ फीड का जो सबसे पहला लफ्ज़ है दोस्तों वो है एफ, और 43-32 का जो पहला लफ्ज़ है वो है 4, आगे दूसरे नंबर पे ई है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ई है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे भी 3 है, अगर दोस्तों एंड पे डी है तो एंड पे यहाँ पे 2 है। इस तरह आप लोगों ने कोड मैच करने हैं, मतलब कि कोड बनाने हैं, तो आप इजीली इनका जवाब निकाल पाओगे। दोस्तों हमें डीफ का कोड बताना है तो डीफ का कोड हम इजीली बता लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखें डी की अगर बात करें, डी मतलब कि यहाँ पे एंड पे है तो डी की जो कीमत जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2, ई की जो वैल्यू है यहाँ पे ई की दोस्तों वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि दोस्तों ई दूसरा 2 है ई, तो यहाँ पे हम 2-3 लिखेंगे। अगर दोस्तों एंड पे एफ, तो एफ की वैल्यू एफ पहले नंबर पर है तो यहाँ पे पहले नंबर पर कौन सा है 4 है, तो एफ की वैल्यू है 4, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 23-34, तो 23-34 हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। इस सवाल को हम एक और तरीके से भी हल कर सकते थे कि फीड से उन्होंने 43-32 बनाया तो डीफ से क्या बनेगा दोस्तों, उन्होंने क्या किया फीड को उल्टा कर दिया, यानी फीड को मतलब उल्टा किया जाए तो डीफ बन जाता है, मतलब है कि ये एफ से शुरू हो रहा है डीफ डी से शुरू हो रहा है, मतलब है कि ये देखें एफ से मतलब है कि तो ये तो फीड बन गया, तो जो डीफ है दोस्तों उन्होंने डी से उल्टा कर दिया, पहले डी कर दिया फिर ई फिर ई फिर एफ, तो फीड को उन्होंने उल्टा करके डीफ बना दिया, तो यहाँ पे जो 43-32 है इसको भी उल्टा करें तो जवाब वही 23-34 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, वट इज़ द रिलेशन बी टू ए। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो ए है दोस्तों ए फादर है बी का, मतलब एक ए बाप है बी का। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि बी इज़ नॉट द सन ऑफ, यानी जो बी है वो ए का बेटा नहीं है, तो इनका आपस में बी टू ए का आपस में रिश्ता क्या है दोस्तों, अगर बेटा नहीं है तो बेटी होगी, तो यही रिश्ता है दोस्तों डॉटर का, क्योंकि मतलब ए और ए बी का फादर तो है। आगे कह रहा है कि बी मतलब कि ए का सन नहीं है, सन का मतलब बेटा होता है, बेटा नहीं है तो दोस्तों बेटी होगी, तो डॉटर हमारा राइट आंसर बनेगा, बी टू ए का रिश्ता है डॉटर का बेटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, यानी मंडे यस्टरडे का मतलब होता है दोस्तों, यस्टरडे का मतलब होता है मतलब गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है दोस्तों, जो दिन गुजर गया है यस्टरडे का, जो दिन गुजर गया यस्टरडे का उसके दिन था, मतलब कि वाज मतलब यस्टरडे जो दिन गुजर गया उसके दिन तो मंडे था, यानी मतलब है कि कल का दिन गुजर गया कल मंडे था, तो आज क्या होगा आज ट्यूसडे होगा। तो आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, तो मतलब है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब वो कह रहे हैं कि कल तो मतलब जो दिन गुजर यस्टरडे जो दिन गुजर गया है उसके दिन मंडे था, यानी कल कल जो दिन गुजर गया है उसके दिन मंडे था, तो आज क्या होगा आज होगा ट्यूसडे, तो आगे बताना है कल के बाद कौन सा दिन होगा, आज ट्यूसडे है तो कल मतलब क्या होगा कल होगा वेडनेसडे, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा थर्सडे होगा, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है डी ऑप्शन थर्सडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए जेड बी वाई, तो आगे हमें कौन सा मतलब एक ऑप्शन आएगा नीचे, मतलब इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा आगे जवाब आएगा। दोस्तों देखिए ये भी सीरीज का सवाल है, अल्फाबेटिक सीरीज है दोस्तों, ए जेड यानी एक शुरू से ले लिया जेड एंड से ले लिया, इसी तरह बी शुरू से ले लिया और वाई अल्फाबेटिक से एंड से ले लिया, इसी तरह दोस्तों ये इसकी तरतीब इस तरह बनेगी, ए बी आगे मतलब है कि यहाँ पे सी आ जाएगा, दूसरी सीरीज दोस्तों जेड वाई, जेड के बाद वाई, तो वाई के बाद कौन सा आता है दोस्तों, वाई के बाद एक्स आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स, तो सी एक्स हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है सी एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ ऑल मेल्स आर ग्रीन, यानी मतलब इस सवाल में आप ये समझ लो कि जो ऑल मेल्स हैं उन्होंने ग्रीन दूसरा जो ग्रीन शर्ट्स यानी या ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं,
एंड आल फीमेल्स आर रेड, जो आर लड़कियां हैं उन्होंने रेड सूट या रेड जैकेट पहनी हुई हैं। तो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है कि आल गर्ल्स आर ऑरेंज, आल गर्ल्स आर ग्रीन, आल बॉयज़ आर पिंक या आल बॉयज़ आर ग्रीन। दोस्तों देखें, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि आल मेल्स आर ग्रीन, यानी मेल्स ने तो ग्रीन पहने हुए हैं, फीमेल्स ने रेड पहने हुए। तो नीचे ऑप्शन में आल गर्ल्स आर ऑरेंज, तो गर्ल्स ने क्या पहने हुए, रेड, तो यहाँ ये ऑरेंज है, ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है आल गर्ल्स आर ग्रीन, तो आल फीमेल्स ने रेड पहने हुए हैं, ग्रीन भी नहीं पहने, ये भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आल बॉयज़ आर पिंक, तो दोस्तों बॉयज़ ने क्या पहने हुए हैं, ग्रीन, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन आल बॉयज़ आर ग्रीन, तो दोस्तों आल बॉयज़ ने ग्रीन ही पहने हुए हैं, आल मेल्स आर ग्रीन, आल मेल्स ने ग्रीन ही पहने हुए हैं, तो आल बॉयज़ आर ग्रीन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द पेयर विच डिफरेंटली रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। दोस्तों इन मतलब है कि पेयर में से एक ऐसा पेयर है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो आइए चेक करते हैं। हॉस्पिटल पेशेंट, दोस्तों पेशेंट का तल्लक हॉस्पिटल से होता है दोस्तों, ये तो हमें ठीक लग रहा है। आगे दोस्तों जो है वो है डिसीज़, इसका मतलब बीमारी, और इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े। बीमारी और कीड़े मकोड़ों का आपस में तो तल्लक नहीं लग रहा मुझे, ये गलत है। आगे दोस्तों देखें इंडस्ट्री लेबर, तो दोस्तों जो इंडस्ट्री होती है, लेबर इंडस्ट्री में ही काम करती है, ये भी ठीक लग रहा है। अगर इसे देखें क्राइम पनिशमेंट, तो क्राइम जो बंदा क्राइम करता है, जो जुर्म करता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, तो ये भी मतलब है कि ठीक लग रहा है। तो लिहाजा जो जो हमारा राइट आंसर बनता है जो बाकियों से डिफरेंट है, वो है बी ऑप्शन, डिसीज़ और इंसेक्ट आपस में मैच नहीं कर रहे, बाकी सारे प्यार आपस में मैच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 37 मिनट्स बिफोर 7 o'clock। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि 7 बजने में अभी 37 मिनट बाकी हैं, तो इस वक्त टाइम क्या होगा। तो दोस्तों 7 बजने में अभी 37 मिनट बाकी हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में से हम 37 को नफी कर देते हैं, जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा 23। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि मतलब है कि 6:23 हुए हैं, मतलब है कि 23 मिनट past 6 o'clock, यानी मतलब है कि 6:23 हुए हैं, मतलब है कि 37 मिनट और होंगे तो 7 बजेंगे। तो राइट हमारा आंसर बनता है 23 मिनट past 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है, 111, 333, 555, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। तो ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है, 111 आगे, 333 आगे, 555 आगे, क्या आएगा, 5 के बाद 7 आता है, तो 777 आ जाएगा, 777, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, नीचे ऑप्शन में से बताना है कि वो मिसिंग नंबर कौन सा था। दोस्तों सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये यहाँ पे मिसिंग नंबर हम किस तरह लाएंगे, किस तरह हम चेक करेंगे, इसमें ट्रिक कौन सी यूज़ हुई है। दोस्तों देखें इसको देखें दोस्तों, 10 में से अगर 5 को नफी किया जाए तो जवाब कितना आता है, दोस्तों जवाब आता है 5। तो 5 को इस ऊपर वाले 18 में जमा कर दिया जाए तो बीच में 23 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों 9 में से 7 को नफी किया जाए तो कितना जवाब आता है, 2 आता है। इसी 2 को ऊपर वाले 58 में जमा कर दिया जाए तो बीच में 60 आता है। तो इसी तरह हमें कंसेप्ट का पता चल गया, हम इजीली यहाँ पे जवाब ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों देखें 40 में से हम 22 को नफी करेंगे, जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा सिर्फ 18। और इस 18 को इस 12 में हम जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 30 का। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो कौन सा लफ्ज़ है, वो है 30, बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इनमें से भी एक डिफरेंट है, बाकी से मुख्तलिफ है, दोस्तों वो कौन सा देखते हैं आइए। तो ए सी, इसमें जो गैप है ए बी सी, यानी एक लफ्ज़ का गैप है बी का। अगर डी जी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, यानी इसमें 2 लफ्ज़ों का गैप है। एच आई जे के, इसमें भी 2 लफ्ज़ों का गैप है। एल एम एन ओ, इसमें भी 2 का, लिहाजा जो ए का गैप था वो ए सी में था। तो यही बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। दोस्तों नीचे सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों सीरीज है ZXUW, दूसरा Q। तो दोस्तों ये भी सीरीज एंड से चल रही है, Z से शुरू हुई है, तो सबसे पहले Z आया, Z के बाद X आया, ZXYZ, मतलब इसमें जो गैप है वो एक लफ्ज़ का है Y का। तो आगे दोस्तों गैप है 2 का, आगे गैप है 3 का, आगे गैप होगा 4 का। तो क्यू के बाद 4 का गैप छोड़ के जो राइट आंसर बनेगा वो इन ऑप्शन में से होगा। तो दोस्तों ये कौन सा राइट आंसर बनेगा, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द फॉलोइंग सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वट विल बी द फाइनल रिजल्ट। दोस्तों इन सीरीज में हमें बताना है कि जो फाइनल रिजल्ट इसका कौन सा आएगा। दोस्तों देखें 1 में 2 जमा किया, 3 में 2 जमा किया, 6 में 4 जमा किया, 10 में 5 जमा किया, 15 में 6 जमा किया, 21 में 7 जमा किया, तो 21 और 7 28, 28 में 8 जमा किया, 36 और 36 में 9 को हम जमा करें तो 45 हमारा जवाब बनता है, सी ऑप्शन पे ये मिल रहा है। तो दोस्तों ये सभी को आपस में जमा करके जो राइट आंसर बनेगा वो आपके ऑप्शन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कराची इज़ टू 9 देन लाहौर इज़ टू। दोस्तों इस बारे में ये बताना है जो कराची है इसका लिंक है 9 के साथ, तो लाहौर का तल्लक किन के साथ हो सकता है, 9 के साथ, 8 के साथ, 7 या 11 के साथ। तो दोस्तों देखें कराची का 9 के साथ तल्लक किस तरह बना, इस बात का हमें पता होना चाहिए। दोस्तों देखें कराची में अगर हरफ गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कराची में 7 हरफ बनते हैं।
कराची में कितने बनते हैं? सात। सात में से अगर दो को जमा किया जाए तो नौ बनता है, इसी तरह नौ आ गया। इसी तरह लाहौर के लफ्ज़ गिन लें तो लाहौर के कितने बनते हैं? लाहौर के बनते हैं सिर्फ छः। छः में से हम दो को जमा करेंगे तो कितना जवाब आएगा? आठ। तो डी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा, आठ। डी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट एज टू आई एज साउंड एज टू। दोस्तों जो वो कह रहे हैं कि जो लाइट है इसका तलक है आई आई के साथ, यानी आईज यानी आंखों की रोशनी होती है। तो साउंड साउंड का तलक किन किन के साथ हो सकता है? हेयर के साथ, फुट के साथ, लेग के या एयर के? दोस्तों जो साउंड है, जो आवाज़, वो हमेशा हम एयर यानी कान से ही सुन सकते हैं। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो है एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। दोस्तों इस बारे में हमें यह बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है एक मुख्तलिफ बाकियों से, वो कौन सा? दोस्तों यूएसए, कनाडा, कनाडा आगे ऑस्ट्रेलिया आगे लंदन। दोस्तों देखें जो कनाडा है ये भी एक कंट्री है, एक मुल्क है, यूएसए भी और ऑस्ट्रेलिया भी। जो लंदन है दोस्तों ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, उसका शहर है, लेकिन ये कंट्री नहीं है। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है लंदन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें यहाँ पे तीन आ गया, यहाँ पे चार आ गया, और यहाँ पे कौन सा आएगा? दोस्तों देखें तीन यहाँ पे किस तरह आया। दोस्तों तीन इस तरह आया कि एक लाइन, दो लाइनें, तीन लाइन, तो यहाँ पे तीन बन गया। इस तरह एक लाइन, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे चार बन गया। इस तरह इसकी लाइनें गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः लाइनें। इसमें जवाब कितना आएगा? छः आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट